हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है। किंतु फिर वसंत उत्सव पर ऋषि दुर्वासा का कैलाश आकर कठोर वचनों का प्रयोग करना, माँ और पिताश्री का यहाँ इस रूप में आना, सबसे विरक्त हो जाना और फिर ऋषि मार्कंडे का यहाँ आकर ये कहना कि स्वयं माँ ने उन्हें यहाँ बुलाया है, ये सब हमारी समझ से परे है प्रभु। गणेश, जो रूप तुमने देखे वो देवी काली रूप से कहीं अधिक थे। भिन्न झलक थी श्री महाकाली की, जिनका संसार में आविर्भाव हो रहा है। आविर्भाव प्रभु? हाँ, परम ब्रह्म अर्थात पराशक्ति का एक और रूप जो श्री महाकाली अवतार में प्रकट होगा। श्री महाकाली? गणेश, जैसे तुमने मेरे परम ब्रह्म रूप के दर्शन किए और महादेव के भी परम ब्रह्म रूप को देखा, वैसे ही अब समय आ गया है जब तुम जगत जननी का परम ब्रह्म स्वरूप अर्थात पराशक्ति का रूप देखोगे, उनसे जुड़े वो रहस्य जानोगे जिनसे आज तक संसार परिचित नहीं। और इसी लीला के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए ऋषि मार्कंडेय का भी यहाँ आगमन हुआ है। किंतु माँ की देवी महाकाली के महास्वरूप का दर्शन कब होगा? गणेश, वो दिव्य समय आ गया है, अभी है। अभी? किंतु कैसे? माँ तो यहाँ शमशान में माता मातंगी के रूप में हमसे पूर्णतः विरक्त है, तो ऐसे में वो श्री महाकाली का रूप कैसे धारण करेंगी? ये कर्तव्य तो तुम्हारा है, इसका सूत्रधार तो तुम्हें ही बनना होगा, तुम्हें ही इस परिवर्तन का प्रेरक होना होगा गणेश, जिससे ये लीला प्रारंभ हो सके, ये रहस्य उजागर हो सके। मैं प्रस्तुत हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए महागणपति जी। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा। तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वही श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री महागणपति जी, आपने जो मुझे मार्ग सुझाया है मैं उसी पर चलूंगा। कल्याण हो। मैं यहां निष्क्रिय रहकर अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। चलो अनुज गणेश, हम वहां जाकर मां और पिताश्री को स्मरण कराते हैं। अनुज गणेश, कुछ कहते क्यों नहीं? तुम ऐसे स्थिर क्यों खड़े हो? चलो गणेश। गणेश विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? ये अचानक प्रथम पूज्य गणेश जी को क्या हो गया? गणेश, क्या कर रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो गणेश? माँ गंगा को मेरा नमन। गणेश, माँ गंगा के तट पर क्यों चला आया? क्या है उसके मन में? क्या करना चाहता है वो? हमें माँ को माँ गंगा तक लाना होगा, यही यही माँ श्री महाकाली का आविर्भाव होगा। चतुर 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 ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? विस्तार से कहो, माँ श्री महाकाली का आविर्भाव अर्थात? हाँ भैया, महागणपति जी ने स्वयं मुझे बताया। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा। तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वही श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश।
माँ श्री महाकाली का अवतार धारण करने वाली हैं। आगे हमारा मार्गदर्शन भी वही करेंगी। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, हम माता मतंगी को यहाँ तक लाएंगे कैसे? क्योंकि वो तो सबसे विरक्त और अनभिज्ञ है, और वो हमारा निवेदन सुनेंगी भी कैसे? हाँ देवराज, उसका तो एक ही उपाय है। हम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग पिताश्री के अरूपी रूप हैं। अब हम उनकी पूजा और उनका जलाभिषेक करेंगे तो माँ को भी उनका आभास होगा और उनके भीतर भी शिवलिंग के जलाभिषेक करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी और वो स्वयं यहाँ आ जाएंगी। उत्तम युक्ति है गणेश। एक भक्त को केवल उसकी भक्ति ही खींच सकती है। गणेश सर्वथा उचित कह रहे हैं कार्तिकेय। देवी पार्वती अपने उग्र तत्व युक्त परम रूप को धारण करने जा रही हैं। इसीलिए तुम्हें अपने अनुज की सहायता करनी चाहिए, जिसका परिणाम तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। नमकम चमकम एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकम चमकम चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। अब हमें शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। भैया आप जलाभिषेक आरंभ कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। नमकं चमकं एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा। रुद्राद्याय स्वरे स्वामी के जलाभिषेक करने से तो परम सुख का अनुभव होता है। ततो वाक्यं प्रकुर्वीत मुझे भी प्रभु का जलाभिषेक करना चाहिए। हे प्रभु महादेव, हे आदिशक्ति, ये जो भी हो रहा है उसका रहस्य हमें समझाइए। श्री महाकाली का रूप लीजिए माता, और जगत जननी की शक्ति का रहस्य उजागर कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम् स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकं चमकं चैव
पुरुषोत्तम। पिताश्री तो वहाँ अकेले रह गए हैं, माँ कहाँ चली गई? देवो गृहे गृहपतिर जथा रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। पुत्र कार्तिके, गणेश की युक्ति सफल हो रही है, तुम्हारी माँ पावन गंगा की ओर ही आ रही है। अद्भुत है वो क्षण जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। माँ अब जल में प्रवेश करेंगी और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी। मैं कोई जल कलश तो लाई नहीं, तो मैं जल लेकर कैसे जाऊंगी? मैं जाकर कलश ले आती हूँ। माँ रुक क्यों गई? गणेश, माँ तो लौट कर जा रही है। अब क्या करेंगे गणेश जी? माता को लौटा कर यहां कैसे लाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, उस ओर देखो पुत्र गणेश। हाँ, ये जल कलश उचित होगा। चिंता की कोई बात नहीं, मां तो मात्र एक जल के लिए पात्र लेने गई थी। कलश छूट गया मेरे हाथों से। उचित है, यही उचित समय। माता तो जल में समाहित हो गई,
वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? कदाचित मुझे ही जाकर उन्हें बाहर निकालना होगा। हाँ कुमार कार्तिक, हम सब भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। रुकिए। गणेश, क्यों रोक रहे हो हमें? माँ संकट में है। भैया, कठिनाई और संकट तो माँ के निकट भी नहीं, क्योंकि माँ तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। हाँ भैया, इस जल से ही माता के इस रूप का सत्य निकल कर उजागर होगा। ये सब माँ की ही लीला है, इसीलिए हमें चिंता से मुक्त रहना होगा, धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि धैर्य का फल सुखदायी होता है। अब हमें माँ मातंगी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जगत जननी का रहस्य उजागर करें। माँ मातंगी, हमें हमारा उचित पथ दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्यामाम शुभ्राम शुभालाम त्रिकमल नयनाम रत्न सिंहासनस्थाम भक्ताभीष्ट प्रदात्रीम सुर निकर करा सेव्य कंजाम युग्माम नीलांबोजाम शुकांति निश्चर निकरा अन्यदावाग्निरूपाम पाशम खड्गम चतुर्भिर् वर कमल गय खेदकम चांकुशम च। और महाकाली का आविर्भाव कैसे होगा? पुनः दुविधा में हूँ। प्रणाम, प्रणाम श्री महाकाली। माता की विशालता में तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड समा गया है। अनंत अद्भुत है माता का ये रूप। हाँ! हाँ!
माता श्री महाकाली की दिव्य भव्यता को मैं नमन करता हूँ। प्रतीत होता है माता अपने पूर्ण आवेश में। जय माता श्री महाकाली, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए माता। कैसा रहस्य है माता? कौन है जो मेरा रहस्य जानना चाहता है? कौन? माँ का स्वर इतना कठोर क्यों है? श्री महाकाली के इतने कठोर वचन के पीछे अवश्य कोई कारण है। श्री महाकाली ने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया है, अवश्य कुछ घटित होने वाला है। तू जानना चाहता है? तू कौन जानना चाहता है? बोल, तू जानना चाहता है मेरा रहस्य? प्रणाम माता महाकाली। वो मैं इतनी देर से प्रार्थना कर रहा था, रहस्य जानना है, रहस्य जानना है, तो अब क्या हो गया? तेरे मुख से बोल किसने छीन लिए? बोल! देवी श्री महाकाली माँ, माँ की दृष्टि का ऐसा प्रचंड तेज, माँ के इस रूप के दर्शन के पीछे का कारण मुझे जानना ही होगा। माँ, हम सभी आपकी लीला समझना चाहते हैं, उसका रहस्य जानना चाहते हैं। माता, ये सब मेरा ही अपराध है, मैं ही इसका कारण हूं माता। माँ का ये अट्टहास तो किसी को भी कंपित कर दे। तू है उसका कारण। कौन है तू? मेरी इच्छा के बिना कुछ भी करने वाला। सारा संसार में जो भी होता है मेरी इच्छा के कारण होता है। साधारण सा कोमल सा पत्ता भी हिलता है तो वो भी मेरी इच्छा से। तूने श्राप दिया था ए, क्योंकि वो मेरी इच्छा थी। आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते? तू तो मेरी सृष्टि रूपी लीला के चक्र का एक कण मात्र है, मात्र एक तुच्छ भाग है, तुच्छ भाग है, तुच्छ भाग है। वो चक्र स्वयं मैं हूं, तू नहीं। और वो लीला चक्र यदि गतिमान होता है तो मेरे कारण। वो लीला चक्र यदि गतिमान होता है तो मेरे कारण। पूछ पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप माँ मातंगी के रूप में माँ गंगा में प्रविष्ट हुई और हमारी प्रार्थना सुन आपके पूर्व एक दिव्य श्वेत वर्णी देवी जल से बाहर आई। कौशिकी, कौशिकी थी वो।
पवित्र श्वेत मौलिक वो बाहर आई, और उसके श्वेत तत्व के बाहर आने के बाद गंगा की जलधारा में शेष था। स्याह, केवल स्याह, श्री महाकाली आप? हाँ, मेरी शक्ति जानना है क्या? जानना चाहता है वास्तव में मैं कौन हूँ? तो जान, संसार में ऐसा क्या है जो मैं नहीं? स्याह अंधकार अनंत होता है, जिसके आदि और अंत का किसी को ज्ञान नहीं, वही काल है, और सभी उसी काल के बंदी है, और मैं हूं उस काल की अधिष्ठात्री, मैं श्री महाकाली। मैं ही परम ब्रह्मा हूं, मैं ही परम ब्रह्मा हूं, पराशक्ति हूं मैं, पराशक्ति हूं मैं, पराशक्ति हूं मैं। विशाल विहंगम है माता का ये रूप, अद्भुत है उनकी महिमा। माता महाकाली, हम सभी नतमस्तक हैं आपके समक्ष। मुझे माता श्री महाकाली से उनकी लीला का रहस्य पूछना चाहिए। यही इच्छा महा गणपति जी की भी थी, इसलिए तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन भी दिया था, और इसलिए हम यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। माता ने जो स्वर्णिम अवसर हमें दिया है, उसे गवाना सर्वथा अनुचित होगा। मुझे माता से निडर होकर प्रश्न करने ही होंगे। हे माँ, मेरे प्रश्न के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। पूछ, पूछ अपने प्रश्न, पूछ। माता, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परम ब्रह्म अनेक है? क्योंकि जब मैंने महादेव की कथा सुनी थी, तो मुझे ज्ञात हुआ था कि वो ही परम ब्रह्म है। और फिर मुझे श्री महागणपति जी ने भी यही बताया था कि वो परम ब्रह्म है, और अब आपने भी कहा कि आप ही परम ब्रह्म है, तो फिर वास्तविक परम ब्रह्म है कौन? उत्तम, अति उत्तम प्रश्न पूछा है रे गणेश। सत्य, सत्य तो यही है कि परम ब्रह्म एक ही है, और हम सब उसी महाशक्ति के रूप है, किंतु वो तो अव्यक्त है, निरंकार है, सर्वत्र व्याप्त। उनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, वो तो बस है एक सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में। किंतु माता, यदि संसार में एक ही परम ब्रह्म है, एक ही महाशक्ति है, तो वो भिन्न रूप क्यों लेती है? गणेश, तू तो बड़ा बुद्धिमान है रे, तेरी जिज्ञासा शांत करनी ही होगी। ध्यान से सुन, परम ब्रह्म की महाशक्ति संसार में आवश्यकता के अनुसार अनेकों रूप में प्रकट होती है। वही परम ब्रह्म महादेव के रूप में प्रकट हुए, और श्री महागणपति जी के रूप में भी। वही श्री महाविष्णु संसार में नारायण के रूप में प्रकट हुए, और उन्हीं परम ब्रह्म का एक रूप मैं भी हूं। परम ब्रह्म के रूप अपने अनुसार संसार के कल्याण हेतु कार्य करते हैं, जो अपने अनेक अवतारों में सृष्टि का पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। किंतु माता, श्री महाकाली रूप लेने के पूर्व आपने माता मातंगी का रूप क्यों धारण किया था? तेरी जिज्ञासा कब शांत होगी रे गणेश? सुन, मेरे 10 महाविद्या रूप है, और उन 10 महाविद्या रूप में से 9वां रूप है मातंगी। 10 महाविद्या माता?
संसार के सृजन पालन और संहार हेतु सृष्टि के विकास और उसके चक्र को उचित रूप से गतिमान करने के लिए मैं अपनी 10 महाविद्याओं के रूप धारण करती और जब जब संसार को मेरी आवश्यकता होती है तो उसी प्रकार मैं अपना रूप धारण करती। माता, मेरी जिज्ञासा तो और भी बढ़ती जा रही है। आपकी 10 महाविद्या रूप माता, ये कौन है? हमें उनके रूप, शक्तियाँ और कार्य विस्तार से बताने की कृपा कीजिए माता। हमें उनके नामों का भी परिचय दीजिए। मेरी 10 महाविद्याओं के नाम है काली, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, भूपति, बगुलामुख, मातंगी, कमला, कमला, छिन्मस्तिका, और मेरे प्रत्येक महाविद्या रूप में महादेव भिन्न रूप में मेरे साथ रहते, जैसे कि मेरे मातंगी रूप में वो मातंग के रूप में मेरे साथ रहते। माता, हमें अपने 10 महाविद्या रूपों का परिचय देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्यों? तुम सभी यहाँ मेरे महाकाली रूप का रहस्य ज्ञात करने के लिए एकत्रित हुए हो ना? तो सुनो, अब मैं तुम्हें अपने महाविद्या रूप और मेरे उस रूप में महादेव कौन से रूप में होते हैं ये बताती हूँ। मेरा सर्वप्रथम महाविद्या रूप है काली। काली का उद्गम संसार में महादेव के साथ कैसे हुआ और काली रूप में महादेव ने कौन सा रूप धारण किया, सर्वप्रथम ये कथा सुनो। प्रलय के उपरांत संसार नष्ट हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता, तब एकमात्र मैं रहती हूँ अव्यक्त निरंकार रूप में, और फिर मेरा प्रणव रूप प्रकट होता है जिससे संसार की सृष्टि होती।
पार्वती, आप एक ही तत्व हैं। समय आने पर देवी लक्ष्मी नारायण की पत्नी बनेंगी और देवी पार्वती महादेव की अर्धांगिनी। महादेव और देवी सरस्वती, आप दोनों एक तत्व हैं। उचित समय आने पर देवी सरस्वती ब्रह्मदेव की पत्नी बनेंगी। आप सभी को अपने दायित्व, शक्ति और कार्य ज्ञात होंगे। सृष्टि के नवीन सृजन के समय, जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, उसमें थल अंश मात्र ही था, जो जल में उसी प्रकार विद्यमान था जैसे घृत जल में रहकर भी उससे पृथक ही रहता है। थल कोमल था, उसे कठोर बनाना था जिससे उस पर जीवन का संचार हो सके। विष्णुदेव को संसार का पालनहार बनना था, किंतु उसके लिए सर्वप्रथम संसार को आकार देने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि विष्णुदेव संसार की रचना में मेरे सहायक बनेंगे। सृष्टि के पालनहार, किंतु मामा जी तो गहन निद्रा में लीन थे। सत्य है, नारायण तामसी प्रभाव में आकर माया के वशीभूत थे, इसीलिए उन्हें निद्रा से जगाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। और उन्हें जगाने के लिए मैंने अशांति उत्पन्न करने का निश्चय लिया। अशांति माता? हाँ, अशांति मधु और कैटभ के रूप में। मधु और कैटभ माँ, ये कौन थे? दो असुर जिन्हें मैंने अपनी माया स्वरूप देवी महामाया का रूप धारण कर उत्पन्न किया। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय।
उत्पन्न होने पर मैंने उनमें प्राण का संचार कर उन्हें जीवन प्रदान किए। ये क्या स्थान है? हम इस विशाल सागर के मध्य में क्यों हैं? कौन है हम? हम कौन है? कौन है हम? कौन है हम? वत्स, तुम दोनों हो मधु और कैटब। मैं मधु। मैं कैटब। मैं मधु। मधु। मैं कैटब हूँ। मैं कैटब हूँ। किंतु तुम कौन हो देवी? मैं हूँ महामाया और तुम्हारा जन्म मेरी लीला से ही हुआ है। प्रणाम माता। हमारे नामों के अतिरिक्त हमारा क्या परिचय है? पुत्रों, तुम दोनों अत्यंत शक्तिशाली असुर हो और इस जल में तुम्हारी उत्पत्ति का एक अति विशेष कारण है। माता, क्या है वो कारण? क्या है हमारे जन्म का उद्देश्य? युद्ध करना है तुम्हारा उद्देश्य। युद्ध? नारायण से युद्ध। जाओ और अपने जन्म का उद्देश्य पूर्ण करो। नारायण से युद्ध करो। देवी महामाया, आपके कारण ही हमारा अस्तित्व है। आपने ही हमें हमारा नाम दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। इसलिए देवी, आपका आदेश है कि हम विष्णुदेव से युद्ध करें, तो ऐसा ही होगा। प्रणाम माता। कहाँ है विष्णुदेव? मधु और कैटब को मामा जी के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। तुझे क्या लगता है, ये भूल थी मेरी? जब से मैं आई हूँ प्रश्नों की झड़ी लगा रखी है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ क्योंकि तू मेरा रहस्य जानने के लिए इच्छुक है। कि तू अब तू मेरी ही लीला पर प्रश्न उठा रहा है। हाँ, भेजा मैंने उन दो असुरों को नारायण से युद्ध करने के लिए। मेरी लीला समझने का सामर्थ है भी तुझमें? मेरा उद्देश्य ये नहीं था माता, आपको क्रोधित नहीं करना चाहता था मैं।
श्री महाकाली माँ, मैं तो बस। अब और कुछ नहीं। कौन होते हो तुम सभी मुझसे प्रश्न पे प्रश्न पूछने वाले? पराशक्ति हूँ मैं, बहुत हुई मेरी लीला की कथा। अब ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना। नहीं बताती मैं अपना रहस्य। ये क्या कर दिया मैंने? माँ श्री महाकाली माँ के कोप को जागृत कर उन्हें हमसे रुष्ट कर दिया। माता से और प्रश्न करना कदाचित उनकी क्रोधाग्नि को और भड़का देगा। बस बहुत हुआ, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगी। माता जा रही है यहां से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गणेश जी की स्तुति से माता श्री महाकाली का क्रोध शांत हो रहा। माँ, माँ, मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं अपने प्रश्नों से आपको क्रोधित नहीं करना चाहता था। ये प्रश्न तो मात्र मेरी जिज्ञासा थी। कृपया अपनी कथा हमें सुनाइए ना माँ। अपनी दिव्य लीला को विस्तार से समझने के लिए हम सभी अति उत्साहित हैं। हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए ना माँ। वास्तव में बुद्धि का देवता है तू, मेरी क्रोधाग्नि को शीतल कर दिया। तुम सभी मेरी लीला जानना चाहते थे ना? कसम, मैंने ही उन दो असुरों को नारायण से युद्ध करने का आदेश दिया था। किंतु असुरों का तो स्वभाव ही होता कि वो कभी किसी के आदेश का पालन नहीं करते। अर्थात माता? अर्थात नारायण तक पहुंचने से पूर्व मधु और कैटब की कुदृष्टि ब्रह्मदेव पर पड़ गई। वो वहां देखो ब्रदर कैटब, क्या है वो? उचित है मधु, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? एक उच्च आसन पर कोई वृद्ध देवता प्रतीत होता है। हाँ मधु, किंतु इस वृद्ध देवता को इतने ऊंचे आसन की क्या आवश्यकता है? उचित कहते हो भ्राता, उच्च स्थान तो बलवान को प्राप्त होना चाहिए। हमें प्राप्त होना चाहिए, विष्णु से तो बाद में युद्ध करेंगे, पहले इस वृद्ध देवता को आसन से उतारते हैं, इसका स्थान छीनते हैं। है?
वृद्ध देवता सुनो, सुनो। ये दो असुर कौन हैं? इस दुर्बल प्रतीत होने वाले वृद्ध देवता को तो हम बड़ी आसानी से कमल सिंहासन से गिरा सकते हैं। हाँ, सर्वप्रथम इससे मुक्ति पाएंगे हम, फिर उस विष्णु को नष्ट करेंगे, फिर इस संपूर्ण सागर के अधिपति बनेंगे हम। ये कुरूप असुर मेरे इतने निकट, इन्हें देखकर ही इनसे घृणा हो रही है मुझे। ए वृद्ध देवता, यहाँ एकाकी बैठकर क्या कर रहे हो? मैं वृद्ध नहीं हूँ, मेरे ये श्वेत केस मेरे ज्ञान के प्रतीक हैं, और ये मेरा स्थान है, मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं हूँ। नहीं, ये स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हें इस ऊंचे आसन की कोई आवश्यकता नहीं, इसके योग्य नहीं हो तुम, चलो उतरो यहाँ से। तुम दोनों यहाँ कर ये उपद्रव क्यों कर रहे हो? मैं शांति प्रिय हूँ, तुम्हें मेरे स्थान से मुझे हटाकर क्या प्राप्त होने वाला है? क्या प्राप्त होगा हमें? बस अब और प्रश्न उत्तर न आए, दूसरों को सताने में ही आनंद है, इतना भी नहीं समझते? इसलिए जैसा कहा जाए वैसा करो, अन्यथा शांति प्रिय देवता तुम्हारे जीवन को अशांति से भर देंगे हम, या कदाचित तुम हमारा विरोध करने की इच्छा रखते हो। हाँ, विरोध करो, संघर्ष करो हमसे, यही चाहते हैं हम, फिर तुम्हें सताने में और आनंद आएगा। ये असुर तो बड़े दुष्ट प्रतीत होते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? प्रतीत होता है ये उद्दंड असुर थमने वाले नहीं। उतरो नीचे इस आसन से, अन्यथा हम बलपूर्वक गिरा देंगे तुम्हें। इसके योग्य नहीं हो तुम, चलो उतरो यहाँ से। इस विकट परिस्थिति में कौन सहायता करेगा मेरी? नारायण से सहायता की गुहार करता हूं। नारायण, नारायण, निद्रा त्यागिए, त्यागिए, उठिए नारायण, उठिए नारायण, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। नारायण, विष्णु को निद्रा से जगाने में क्या दाम? सर्वप्रथम हम तुमको यहां से हटाएंगे, फिर तुम्हारे आसन पर स्थित होकर नारायण को सताएंगे, युद्ध करेंगे, विष्णु को भी पराजित कर देंगे हम। नबदेव वधु और कैटब से आतंकित, क्योंकि वो उनसे युद्ध नहीं कर सकते, तो वो नारायण की प्रार्थना कर उन्हें उनकी निद्रा से जगाने का प्रयत्न करने लगे। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। वृद्ध देवता ऐसे नहीं उतरेगा, क्यों ना एक कार्य करें, इसके कमल की जड़ को ही विलक कर देते हैं, इसे गिरते देख बड़ा आनंद आएगा। अब न रहेगा आसन और न रहोगे तुम उस पर आसीन। Ah!
हमें आहत किसने किया? कौन है हमें नीचे गिराने वाला? हमें चुनौती देने का दुस्साहस किसने किया? किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया? मैं नारायण। नारायण के कान की मैल से उत्पन्न हुए ये असुर कोई साधारण असुर नहीं थे और उनमें प्राण तो मैंने ही फूके थे, तो उनका अंत इतनी सरलता से कैसे हो सकता था? मैं चकित और विचलित इस बात से हूँ कि माता द्वारा उत्पन्न दो असुर उन श्री हरिनारायण विष्णु का सामना भला कैसे करेंगे जो स्वयं जगत के पालनहार हैं। ऐसे था वही हुआ, ये दोनों दुष्ट असुर नष्ट हो गए। धन्यवाद नारायण। इन असुरों के साथ इनके आतंक का भी अंत हुआ, अब ब्रह्मदेव पुनः ध्यान मग्न हो सकते हैं। कैसे संभव है? इन दोनों का तो वध कर दिया था नारायण ने। पुनर्जीवित हो गए ये, तो मैं पुनः इन्हें नष्ट करूंगा। क्या हुआ विष्णुदेव? हमें पुनर्जीवित देखकर शक्ति में आ गए। अब हम तुम्हारा अंत करेंगे। किंतु कैसा प्रहार करूं जिससे ये पुनः जीवित ना हो सके? करो गुरु, हमारे अंत के उपाय का विचार अवश्य करो। हम पर वार भी करो, किंतु हमारा अंत कदापि नहीं कर सकोगे तुम विष्णुदेव। हा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 
ये कैसे हुआ माँ? मामा जी के द्वारा मधु और कैटअप के वध करने पर भी वो पुनर्जीवित कैसे हो गए? गणेश जी ने पुनः माँ काली से प्रश्न कर दिया, कहीं वो पुनः गणेश जी से क्रोधित हो गई तो? मैल तो आखिर मैल ही होती है, कितनी बार भी हटा दो पुनः एकत्रित हो ही जाती है। नारायण के कान के मैल से उत्पन्न हुए ये असुर कोई साधारण असुर नहीं थे, और उनमें प्राण तो मैंने ही फूके थे, तो उनका अंत इतनी सरलता से कैसे हो सकता था? फिर क्या हुआ माता? फिर क्या हुआ? ये कैसा प्रश्न है? फिर वही हुआ जिसके लिए मैंने उन्हें उत्पन्न किया था, जिसके लिए मैंने उन्हें प्राण दिए थे। युद्ध, भयंकर युद्ध। युद्ध हुआ उन दोनों असुरों और मामा श्री हरि नारायण के मध्य? हे नारायण, देखो इधर, हम तो पूरा युद्ध करने आ गए, कुछ नहीं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अभी तो हम तुम्हारा अंत अवश्य करेंगे। इन दोनों विकराल असुरों से नारायण कैसे पार पाएंगे? अगली रात। कहाँ देख रहे हो तुम दोनों? मैं वहां नहीं, मैं यहां हूं। वहां नहीं, यहां। तुम तो मुझे ढूंढ नहीं पाए, किंतु मेरे शस्त्र तुम्हें अब और समय नहीं देंगे। अब मैं अपने पास से तुम दोनों का अंत करूंगा। Huh?
इस बार नारायण के प्रहार ने इतना कष्ट पहुंचाया है इन असुरों को कि कदाचित ये पुनः जीवित नहीं हो सकेंगे। तुम्हारी दुष्टता का ऐसा ही अंत होना था। कदाचित इस बार सागर की गहराई में विलीन हो गए हैं ये दोनों। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय। ये कैसी ध्वनि है? कहाँ जा रहे हो विष्णु? हम तो अब भी यही हैं। हमारा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये दोनों पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं? क्या सोचा था तुमने? अंत हो गया हमारा। तुम हमें नष्ट नहीं कर सकोगे। किंतु अब हम करेंगे तुम्हारा अंत। फिर वो युद्ध सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक चलता रहा, कभी जल पर विष्णुदेव लो अब संभालो हमारा प्रहार। अरे ये कैसी ऊर्जा है? इससे भी अपना बचाव करना होगा हमें। भ्राता कैटब, ये तो विचित्र कौतुक रचा है विष्णु ने। हाँ भ्राता मधु, जल को हिम में परिवर्तित कर दिया, इसका क्या कारण है? कारण अभी ज्ञात करना होगा। विष्णु से ही पूछ लेते हैं। ये क्या किया तुमने विष्णुदेव? जल को हिम बना दिया। हिम से वध करोगे हमारा? हिम से जड़ कर दूंगा तुम दोनों को। हिम से जड़ कर देगा हमें भ्राता कैटब? हाँ भ्राता मधु, ये तो छल है इसका, इससे हमें अपनी रक्षा करनी ही होगी। अब ये क्या करने वाला है? कदाचित पुनः गतिशील नहीं हो सकेंगे ये असुर। अंततः इन असुरों का अंत हो ही गया। और फिर कभी वो युद्ध स्थल पर पहुंच गया जल के नीचे, किंतु युद्ध निरंतर चलता ही रहा। Hmm.
इस हिम से मुक्त होना होगा। हाँ प्रहता मधु, फिर उस विष्णु के प्राण मुक्त करेंगे हम। अभी भी जीवन शेष है इनमें। इन दोनों के अंत का क्या उपाय है? उत्तम क्रीड़ा थी ये विष्णुदेव, हमें आनंद आया, किंतु ये क्रीड़ा तो तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगी। इस बार किसी भी प्रकार इनका अंत अवश्य करूंगा मैं। विष्णुदेव, अभी तक तो इस वृद्ध ब्रह्मदेव के सिंहासन पर हमारी दृष्टि थी, किंतु अब हमें तुम्हारा आसन भी मोहित कर रहा है। अनेक शीश वाला जीव जिस पर स्थित होकर तुम हम पर वार कर रहे हो, तुम्हें पराजित कर मैं तुम्हारे इस आसन पर अवश्य स्थित होऊंगा, और मेरा भ्राता कैटभ इस वृद्ध ब्रह्मदेव के आसन पर। क्यों भ्राता कैटभ? हाँ भ्राता मधु, अब हमें ये शीघ्र करना चाहिए। इनका तो साहस अब सभी सीमाएं लांघ चुका है, अब इनसे निर्णायक युद्ध करना होगा मुझे। विष्णुदेव, अब शीघ्र तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग करूंगा मैं। विष्णु के आसन, अपने शीश झुकाओ हमारे समक्ष। ये तो विष प्रहार कर रहा है हम पर। इतने प्रचंड प्रहारों के पश्चात भी ये दोनों जीवित कैसे हैं? बस बहुत हुआ दोस्त, अब तुम्हारे प्रहारों का भी अंत करना ही होगा। के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा। नारायण ने उन दोनों असुरों का सहस्र बार वध किया, और उतनी ही बार वो ना केवल पुनर्जीवित हुए अपितु और शक्तिशाली और विशाल, गतिशील और दुष्टता से परिपूर्ण होकर पुनः युद्ध करने पहुंच गए। ये कैसे असुर है जिनका वध नारायण भी नहीं कर पा रहे हैं? बस बहुत हो गया, माता का आदेश था कि तुमसे युद्ध करना है।
हो गया युद्ध, अब सर्वनाश होगा तुम्हारा। माता का आदेश था, नारायण से युद्ध करना था इन्हें। फिर क्या हुआ माता? वही हुआ जो श्री महाकाली की इच्छा थी, जो मेरी इच्छा थी। क्या इच्छा थी माँ आपकी? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे पर प्रकाश की विजय अवश्य होती है, किंतु प्रयास करते रहने और उचित समय आने पर न पूर्व न उसके पश्चात इसका प्रभाव हमेशा सृष्टि पर पड़ता है, जिसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। मनुष्य ही नहीं अपितु स्वयं ईश्वर को भी अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य होता है, यही संदेश उनकी लीला से हम प्राणियों को मिलता है।